हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ। दोस्तों आज की इस वीडियो दोस्तों आप सभी के लिए लेके आऊँ यहाँ पे ये NX ऑडियो का 1801 यानी MT 1801। आप सोच रहे थे कि मैं 1601 बोलने वाला हूँ, नहीं, अभी ये न्यूली लॉन्च हुआ है 1801 और यहाँ पे भाई है यानी 1601 का भाई है। सेम बेस्ड टेक्नोलॉजी भी जो है वो बनाया गया, पावर में ज़्यादा होने वाला है, डैम्प फैक्टर काफ़ी ज़्यादा है। इंटरनल पार्ट की पूरी क्वालिटी मैं आपको दिखाऊंगा खोल के, तो मज़ा बहुत आ जाएगा वीडियो के अंदर। टेस्टिंग भी आप देख के जाइएगा और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम अनबॉक्स कर लेते हैं हमारे MT 1801 को। ओवरऑल अगर मैं बॉक्स पैकिंग की बात करूँ तो यहाँ पे पहले से ये बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। क्या चेंजिंग आई है, कैसे आप इसको ओरिजिनल मालूम कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोटोन बाय NX ऑडियो जो है वो मेंशन है, MT 1801 मेंशन रहेगा एक ये वाइट कलर के स्टिकर पे। इसके अलावा जितने भी यहाँ पे ये टेप लगाई गई है ये सारी NX ऑडियो की आपको मेंशन रहेगी। तो जैसे ही आप यहाँ पे ये स्पॉइलर बैक को हटाते हैं तो यहाँ पे अगेन आपको MT 1801 की ब्रांडिंग देखने को मिलाती है। इसकी 4 ohms की पावर यहाँ पे मेंशन करी गई है। ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे जो कि इस बॉक्स पैकिंग में चेंज हुआ है वो यहाँ पे ये स्कैन द QR कोड मेंशन करा गया है वारंटी एंड रजिस्ट्रेशन के लिए। ओवरऑल मार्केट के अंदर ये देखा गया है कि काफ़ी सारी जो है वो कॉपी आने लग गई है NX ऑडियो की, लाइक 1601 और यहाँ पे 1201। सबसे ज़्यादा 1601 की जो है वो मैंने भी पर्सनली यहाँ पे कॉपी देखी है। उसको देखते हुए कंपनी ने यहाँ पे ये QR कोड दिया है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो जो है वो बनाने वाला हूँ कुछ ही एक दो दिन के अंदर। तो ये सारा जो प्रोसेस रहेगा आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे NX ऑडियो की ब्रांडिंग है, BIS ये मार्क है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओवरऑल अगेन वही सारी चीज़ें हैं, मैं फटाफट से अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। फाइनली दोस्तों अभी आप देख सकते हैं MT 1801, वही पुराना चेहरा जो कि MT लुक से पहचाना जाता है। पावर से भरपूर है, परफॉर्मेंस अगेन टॉप नॉच है। ओवरऑल यहाँ पे आप देख सकते हैं NX ऑडियो की आपको ब्रांडिंग देखने को मिलाती है टॉप पे। इसके अलावा यहाँ पे MT 1801 इसका ये मॉडल नंबर है, प्रोटोन बाय NX ऑडियो, ये एक स्टिकर दिया गया है, ये ओरिजिनलिटी की पहचान देता है। BIS मार्क है, अगेन यहाँ पे अप्रूव्ड है गवर्नमेंट। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास प्रोटेक्ट लिमिटर सिग्नल और पावर का जो कि इंडिकेटर्स हैं, चैनल ए चैनल बी दोनों में सेपरेट दिए गए हैं। यहाँ पे ये चैनल ए चैनल बी के लिए वॉल्यूम नोब्स हो जाते हैं। ये जो है ये वेंटिलेशंस आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। इसके अलावा ये हैंडल्स भी आपको वही सेम MT वाले लुक की तरह आपको देखने को मिलता है। ओवरऑल 3U साइज इसमें दिया गया है, आप इसको फ्लैट केस में भी इजीली इसको माउंट कर सकते हैं। ये तो हो जाता है दोस्तों इसका फ्रंट। चलिए अभी मैं आपको इसका बैक भी दिखाता हूँ। ये हो जाता है दोस्तों एम्पलीफायर का बैक साइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा ये हाईलाइट हो रहा है ये QR कोड। अगेन कंपनी ने इस बारी ज़रूर ध्यान रखा है कि आप तक ओरिजिनल प्रोडक्ट पहुँचे, या फिर आप खुद सेल्फ एक प्रोडक्ट को चेक भी कर सकते हैं ओरिजिनल के लिए। एक सेपरेट वीडियो मैं लाने वाला हूँ बहुत जल्द कैसे आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये प्रोटोन यहाँ पे अगेन ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे भी ये स्टिकर जो है वो दिया गया है। यहाँ पे ये आउटपुट सेक्शन हो जाता है जिसमें आपके पास टर्मिनल हो जाते हैं चैनल 1 चैनल 2 के लिए, जिसमें आप ब्रिज का भी यूज़ कर सकते हैं। सारी डिटेल में जो है वो मेंशन करा गया है, प्लस माइनस ब्रिज का भी जो है वो मेंशन करा गया है। यहाँ पे चैनल ए चैनल बी के लिए यहाँ पे ये स्पीक ऑन आउटपुट हो जाता है। अगेन यहाँ पे ये जो कि बैक स्विच सेटिंग्स होती हैं ये मेंशन करेगी। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आप मेरी बात पे गौर करिएगा कि यहाँ पे ये जो बैक में स्विचेज होते हैं इनके आप काउंटिंग देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 है तो इसका मतलब ये ओरिजिनल है। अगर ऐसे ही MT 1601 में भी है तो वो ओरिजिनल है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे अगर एक कम मिलता है, कम कहाँ मिलेगा, वो लो फ्रिक्वेंसी इनहेंस्ड वाला स्विच गायब मिलता है, तो आप जान लीजिए कि कहीं ना कहीं वो डुप्लीकेसी है या फिर आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट पकड़ाया जा रहा है। ओवरऑल लिमिटर सेंसिटिविटी, ऑपरेशन मोड, फिल्टर यहाँ पे 160 हर्ट्ज का मिल जाता है, लो कट 30 हर्ट्ज का मिल जाता है, लो फ्रिक्वेंसी इनहेंस्ड यानी बेस थोड़ा सा और बूस्ट हो जाएगा उसका भी यहाँ पे आपको स्विच मिल जाता है, ग्राउंड यहाँ पे आपके पास ये मेंशन रहेगा। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये आपका इनपुट सेक्शन हो जाता है, अगेन बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है क्योंकि यहाँ पे जो कि ये TS वाला जो कि आप कहते हैं ना जैक वाला इनपुट, तो ये भी आपको दिया गया है और XLR भी इसके अंदर जो है वो बैलेंस दिया गया है। ओवरऑल ये फैन 1 और फैन 2 हो जाता है।
इसके अलावा यहाँ पे ये पावर कॉर्ड आपको देखने को मिलाती है, जिसमें NX Audio के अगेन यहाँ पे पावर कॉर्ड पे भी ब्रांडिंग है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये NX Audio के अगेन यहाँ पे भी ब्रांडिंग है, ठीक है ना, पावर कॉर्ड पे भी वही सारी चीजें। इसके अलावा ये जो प्लग है यहाँ पे, ये 15 एम्पेयर का आपको प्लग देखने को मिलता है, 3 टॉप प्लग है ये, तो आप इसलिए इसको किसी भी इंडियन सॉकेट में माउंट कर पाएंगे। ओवरऑल दोस्तों ये है एम्पलीफायर का पूरा बैक साइड। चलिए, जिसका आपको सभी का इंतजार था वो था, इसके अंदर क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्पलीफायर के इंटीरियर पार्ट की क्वालिटी। कोशिश ये रहती है हर एक वीडियो में आपको अंदर तक लेके जाऊं। और अगेन यहाँ पे MT1601 के तरह ही ये पूरी के पूरी जो कह सकते हैं कि प्लेसमेंट है, आपको दो मॉड्यूल देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे ये पावर सप्लाई हो जाता है, ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बात करूँ ट्रांसफॉर्मर साइज की, अगेन 1601 का मुझे याद है कि वो इससे छोटा है। तो प्लस सबसे ज़्यादा जो कि फर्स्ट देखने को मिलता है वो ट्रांसफॉर्मर बड़ा है। दूसरा यहाँ पे मॉड्यूल भी यहाँ पे मुझे साइज़ में थोड़ा सा बड़ा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ये पावर सप्लाई में भी मुझे थोड़ी सी जो है वो चेंजिंग देखने को मिलती है। चलिए थोड़ा सा डिटेल में मैं लेके चलता हूँ। ये चैनल ए चैनल बी के मॉड्यूल हो जाते हैं। अब इनमें आप जो है वो ट्रांजिस्टर्स ये जो लगे हुए हैं इनकी वैल्यू की बात करूँ तो इसमें है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 281 281, और दूसरी साइड जो रहता है वो रहता है 302। तो ये दो तरीके के जो है ट्रांजिस्टर यूज़ करे जाते हैं। इस साइड जैसे 281 हो गया तो उस साइड वहाँ पे 302 के हो गए, ठीक है ना। तो टोटल अभी हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15, ठीक है, 15 और 15 30, यानी 30 और 30 60 जो ट्रांजिस्टर वाला है ये एम्पलीफायर बन जाता है। ओवरऑल पावर सप्लाई के आप कैपेसिटर देख लीजिए, इन पे भी अगेन यहाँ पे ये देख सकते हैं, इन पे भी अगेन जो है वो NX Audio की ब्रांडिंग आपको देखने को मिलती है। इनको भी काउंट कर लेते हैं तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, वैल्यू की बात करूँ तो यहाँ पे 17,000 UF 100 वोल्ट के जो है वो कैपेसिटर्स यूज़ कर गए। कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी पावर होगी। इसके अलावा यहाँ पे एक और बेहतरीन काम करा गया, वो थोड़ा सा आपको अंदर आना पड़ेगा। ये देख सकते हैं ये फ्यूज़ लगा रखे हैं ना, ये हर एक कैपेसिटर कह लीजिए या फिर प्रोडक्शन की तरह काम करता है। होगा क्या क्या, अगर कोई फॉल्ट होता है ना ये मॉड्यूल के अंदर एक पावर सप्लाई में, तो जो कि आपके कैपेसिटर है ना वो यहाँ पे फटने से बचेंगे। उससे पहले यहाँ पे ये जो फ्यूजेज है ना ये यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, यानी ये खराब हो जाएंगे, तो आगे जो है वो करंट जाएगा नहीं, यानी आगे फॉल्ट बढ़ेगा ही नहीं, तो ये दे रखा है। दूसरा यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ पे देख लीजिए ये जो फैंस यूज़ कर रहे हैं मेड इन जापान के फैंस हैं। ओवरऑल यही डिफरेंस होता है बाकी एम्पलीफायर्स में और अगेन NX Audio में। रीज़न यही है कि यहाँ पे क्वालिटी यूज़ करा जा रहा है, मटेरियल जो जहाँ का ओरिजिनल मेड है वहीं का लगाया गया, ऐसा नहीं है कि कहीं का कॉपी मटेरियल इसमें डाल दिया हुआ, नहीं। अगेन यहाँ पे आप पूरी फिनिशिंग देख लीजिए, सारे के सारे पार्ट्स रिपेयरेबल है। अगेन 1601 की तरह ही है कि आप इसको कहीं पे भी रिपेयर करवा सकते हैं। MCB बेस यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा था ना, यहाँ पे देखिए ये MCB बेस जो है वो स्विच लगा रखा है, ठीक है ना। ओवरऑल ये है दोस्तों इसका इंटरनल पार्ट की क्वालिटी। दो फैंस है, बड़े फैंस है, लेकिन इम्प्रूवमेंट है, अगेन क्वालिटी यूज़ करा गया। चलिए ये तो था इंटरनल पार्ट की क्वालिटी। तो दोस्तों कैसे लगी अनबॉक्सिंग और बाकी डिटेल जरूर नीचे कमेंट्स बताना। बाकी दोस्तों ओवरऑल आपको इसकी इंटरनल पार्ट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा पसंद होगी। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो काफ़ी अच्छे पार्ट्स इसके अंदर यूज़ करे गए। अगेन एक होता है ना ब्रांडेड और एक होता है कि मार्केट के जनरल एम्पलीफायर्स, यही डिफरेंस हो जाता है कि हमें जो पार्ट्स की क्वालिटी है वो सारे के सारे ओरिजिनल हाई क्वालिटी के पार्ट्स देखने को मिलते हैं बाकी मार्केट के जनरल एम्पलीफायर से। ओवरऑल बात कर लेते हैं अभी इसकी स्पेशल्स और पावर आउटपुट हमें क्या देखने को मिलाती है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों 8 ओम्स की पावर आउटपुट पर चैनल का, 1850 वाट ये आपको निकाल के दे देता है, यानी 1850 वाट। यहीं पर अगर मैं 4 ओम्स की बात करता हूँ दोस्तों, ये 4 ओम्स पे आपको 2450 वाट निकाल के दे देगा, यानी 2450 2450। यहीं पर अगर मैं 2 ओम्स की बात करूँ, 2 ओम्स पे अगेन आप सभी को पता है कि MT सीरीज बहुत ज़्यादा स्टेबल है। शुरुआत में अगर मैं मार्केट की बात करूं कि यहाँ पे 2 ओम्स पे अगर आपको रन करना होता तो अगेन सबसे पहला नाम सिर्फ और सिर्फ NX Audio का ही आता था, तो ये आपको 2 ओम्स पे 3300 वाट यानी 3300 आउटपुट निकाल के दे देगा पर चैनल। अब रहती है बात दोस्तों आपको इससे भी ऊपर पावर चाहिए, आपके स्पीकर्स बहुत ज़्यादा हैवी हैं, तो यहाँ पे कंपनी ने इस बात का भी ध्यान दिया कि आपको यहाँ पे ब्रिज आउटपुट भी देखने को मिलता है। जो कि मैं बात करूँ यहाँ पे 4 ओम्स ब्रिज आउटपुट का,
5800 आउटपुट आपको ये निकाल के देखे ना, अगर आप दो चैनल को कंबाइन करके अगर एक आउटपुट लेना चाहते हैं फोर ओम्स पे 5800 आउटपुट आपको मिल जाएगा। 8 ओम्स पे अगर आप इसको चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास 4600 यानी 4600 वाट आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। अगेन यहाँ पे MT1601 का जो डैम्पिंग फैक्टर है वो 1000 है, यहाँ पे 1801 में आपको 1200 डैम्पिंग फैक्टर देखने को मिलता है। बेस का परफॉर्मेंस अगेन डबल होने वाला है, मज़ा आ जाएगा। ओवरऑल वेट की बात करूँ तो 48 किलो यानी 48 kg इसका जो है वो वेट आपको देखने को मिलेगा। बाकी इसकी और स्पेशल्स लाइक SN रेशियो और भी ज़्यादा आपको डिटेल जानना हो तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करा हुआ, आप जाके जो है वो चेक कर सकते हैं। अब रहती है बात दोस्तों यहाँ पे इसकी टेस्टिंग के लिए। मैं इस पर यूज़ करने वाला हूँ 4000+4000 वाट के सबवूफर्स यानी बेस। 2450 वाट तो आउटपुट देता है, 1600 जो है वो हमारी 1601 MT वहाँ पे उसकी भी पावर अगर आप देखेंगे तो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा लोड डाल के भी अगर उसको ऑपरेट करा जाता था ईजिली रन करता था। आज की इस वीडियो में हम जो है वो 1801 की पावर देखेंगे कितना वर्क करता है, क्या पावरफुल है। बाकी तो एम्पलीफायर अपने आप बता ही देगा जब ये टेस्टिंग पे चलेगा, चलिए देख लेते हैं। सो फाइनली गाइस यहाँ पे लग चुका है एम्पलीफायर टेस्टिंग के लिए। ओवरऑल अभी मैं इसको टेस्ट कर रहा था यार, मैं सुन के आप मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ क्या बोलूँ मैं इसके लिए अब। और रिस्पॉन्स इसका वाकई में अलग है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज करेगी इस बारी 1601 में। मेरे को यहाँ पे अगर एम्पलीफायर लिमिटर पे जाता था तो स्पीकर की हालत ख़राब हो जाती थी। अगेन यहाँ पे इसमें इस चीज़ का सॉल्यूशन भी है, लिमिटर पे गया लेकिन यहाँ पे स्पीकर कहीं नहीं जा रहा है, कोई भी मेरे को अनस्टेबिलिटी नहीं दिख रही है। मतलब आप कह लो कि जितनी भी अभी तक मेरे ख्याल से एम्पलीफायर की इंडस्ट्री में कमी थी वो सारी की सारी कमी इसने दूर कर चुका है, ठीक है ना। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैंने एक चैनल पे 4000 एक चैनल पे 4000 डाले हुए हैं, दिखा देता हूँ। तो ये है 4000 वाट की, 4000 वाट है, 18 इंटेज है। ऊपर हमने दो मॉनिटर्स ओनली फॉर मिड एंड हाई के लिए डाले हुए हैं, हल्के हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं है, ठीक है ना। ये पूरा सिस्टम है इसमें। ओवरऑल पीछे स्पीकर्स के कनेक्शंस मैं आपको दिखा देता हूँ, सेटिंग्स कैसे रखी हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे चैनल 1 चैनल 2 में डाला हुआ है हमने सिंपल, ठीक है ना। ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ ये इनपुट हो रखे हैं, XLR बैलेंस्ड मैंने करा हुआ है, आप चाहे तो ये TSB ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लिमिटर मैंने ऑन रखा है, सेंसिटिविटी को 1.0 ये पीछे से ही आता है, इस पे ही रखना है, बढ़िया रिस्पांस आ रहा है। 0.775 पे भी टेस्ट कर चुका हूँ लेकिन 1.0 वोल्ट पे अच्छा रिस्पांस आ रहा है, ठीक है ना। प्लेयर में ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, सेम NX ऑडियो हमारा 5000 MK2 है। ओवरऑल यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ऑपरेशन मोड स्टूडियो है, यहाँ पे आपका फिल्टर 160 Hz जो कि लो पास ये मैंने ऑन करा हुआ है, लो कट 30 Hz मैंने ऑफ रखा हुआ है। स्पीकर मेरा 30 Hz की नीचे की फ्रिक्वेंसी तक जा सकता है, कोई इशू नहीं है, आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है ना। लो फ्रिक्वेंसी इनहेंस करना है, मज़ा आ जाएगा वाकई में, ठीक है ना। ग्राउंड ऑन है, ये सारी चीज़ें हैं। और प्लेयर भी हमारा NX है, एम्पलीफायर भी हमारा NX है, क्वालिटी पूरा NX है। चलिए अभी जो मैं आपको टेस्टिंग दिखाने वाला हूँ मज़ा आ जाएगा आप सभी को। तो करते हैं एम्पलीफायर को ऑन, कुछ इस प्रकार से जो है वो ऑन होता है ये एम्पलीफायर, ठीक है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है, थोड़ा 1-2 सेकंड का वेट करना है। और फैंस बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, हीटिंग अगेन कोई इशू नहीं मिलेगा आपको, हीटिंग का बहुत ज़्यादा पावरफुल है, 4 की ज़रूरत नहीं लगी मुझे। ये अगर ये फैंस अगर पर्सनली मैं बात करूँ मार्केट में नहीं मिलेंगे इस क्वालिटी के फैंस, बहुत अच्छा बनाया हुआ है ये एम्पलीफायर। चलिए अभी आपको मैं टेस्टिंग दिखाता हूँ।
कैसे लगी टेस्टिंग और कैसा लगा दोस्तों इसका परफॉर्मेंस जरूर नीचे कमेंट बता रहा। वाकई में एमटी सीरीज तो एमटी है भाई, गजब था परफॉर्मेंस यहाँ पे लग रहा था भाई, मजा सा आ गया। अगेन दोस्तों अभी तक आप ढूंढ रहे थे यहाँ पे एमटी 1601 से थोड़ा सा पावरफुल एम्पलीफायर, ये है आपके लिए 1801 मार्केट में। अगेन मैं आज की इस वीडियो में ये जो है वो यूट्यूब पर पहला अनबॉक्सिंग और पहला रिव्यू होने वाला है, तो मैं क्या क्या जा रहा हूँ मार्केट में आने वाले टाइम पे ये 1801 वाकई में तहलका मचा देगा। कुछ अलग चीज़ है, कुछ अलग परफॉर्मेंस है इसका, लुक ही से ही मतलब मालूम चल जाता है कि ये कुछ ना कुछ तहलका मचा के आएगा। ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे बात करता हूँ, आपने जैसे कि देखा कि मैंने इस पर 4000+ 4000 वाट का जो है वो लोड डाल के चलाया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था, कहीं पर भी कोई हीटिंग इशू नहीं था और स्टेबिलिटी अगेन बहुत अच्छी है। डोम्स पे आप इसको ईजिली रन कर सकते हैं और डोम्स पे थोड़ा सा समझ के, क्योंकि पावर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है इसकी, अगेन 1601 से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल ये मुझे जो है वो देखने को मिला, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1601 जो है वो पर्सनली काफ़ी यूज़ में लिया है, टेस्टिंग पे ले लिया, फिर कस्टमर्स को दिया है, तो मुझे मालूम है कि हाँ उसका जो आउटपुट है या फिर कैसा हमें देखने को मिला था परफॉर्मेंस, उससे ये मुझे एक्चुअल में 22 देखने को मिलता है, 19 से 22 देखने को मिलता है। तो आप सोच सकते हैं 3 नंबर का डिफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ओवरऑल दोस्तों परचेजिंग कहाँ से अवेलेबल होगा, तो इस बात का दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मैं इस पर एक वीडियो लाने वाला हूँ, ओरिजिनल आप इसको कैसे पहचाने, आपने करना क्या कि आपके अपने नियरेस्ट डीलर से जाके कांटेक्ट करना है, वहाँ पे जाने के बाद आपको जो है वो ये एम्पलीफायर मिला जाएगा, उस पर एक स्कैनिंग कोड होगा, वो स्कैन करके आप उसको ओरिजिनल मालूम हो सकते हैं। इसके अलावा मैं कंपनी का नंबर जो है वो शो कर देता हूँ, आप यहाँ से भी जो है वो इंक्वायरी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी परचेज कर सकते हैं। ये शोर होगा नरेन ऑडियो एंड लाइटनिंग LLP, ठीक है ना, ये मुंबई का एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर भी शोर होगा, डायरेक्ट कोई भी इंक्वायरी हो आप यहाँ से मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।